जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। आज हम 20वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। भगवान ने कहा कि जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अब भगवान कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन करने वाले महापुरुषों के और साधकों के भिन्न भिन्न लक्षण और आचरणों का वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराशयः कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अब सबसे पहले समझते हैं कि समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना क्या है। यज्ञ, दान और तप तथा जीविका और शरीर निर्वाह के जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उनमें जो मनुष्य की स्वाभाविक आसक्ति होती है, जिसके कारण वह उन कर्मों को किए बिना नहीं रह सकता और कर्म करते समय उनमें इतना संलग्न हो जाता है कि ईश्वर की स्मृति या अन्य किसी प्रकार का ज्ञान भी उसे नहीं रहता। ऐसी आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाना, किसी भी कर्म में मन का तनिक भी आसक्त ना होने देना, कर्मों में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना है और उन कर्मों से प्राप्त होने वाले इस लोक या परलोक के जितने भी भोग हैं, उन सब में जरा भी ममता, आसक्ति और कामना का न रहना, कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग कर देना है। इस प्रकार आसक्ति का त्याग करके निराशय और नित्य तृप्त हो जाना क्या है। आसक्ति का सर्वथा त्याग करके शरीर में अहंकार और ममता से सर्वथा रहित हो जाना और किसी भी सांसारिक वस्तु के या मनुष्य के आश्रय ना होना, अर्थात अमुक वस्तु या मनुष्य से ही मेरा निर्वाह होता है, यही आधार है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, इस प्रकार के भावों का सर्वथा अभाव हो जाना ही निराश्रय हो जाना है। ऐसा हो जाने पर मनुष्य को किसी भी सांसारिक पदार्थ की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्ण काम हो जाता है। उसे परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के कारण वह निरंतर आनंद में मग्न रहता है। उसकी स्थिति में किसी भी घटना से कभी भी जरा भी अंतर नहीं पड़ता, यही उसका नित्य तृप्त हो जाना है। वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा मनुष्य अपने वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र विहित सब प्रकार के कर्म भली भांति सावधानी और विवेक के सहित विस्तार पूर्वक कर सकता है, लेकिन ममता, अहंकार और फलाशक्ति युक्त मनुष्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करके भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता और यह नित्य तृप्त पुरुष समस्त कर्मों को करता हुआ भी उनके बंधन में नहीं पड़ता। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उन कर्मों से उसका जरा भी संबंध नहीं रहता, अतः वह समस्त कर्म करता हुआ भी वास्तव में अकर्ता ही बना रहता है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले मुक्त पुरुष के लिए उसके पूर्ण काम हो जाने के कारण कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उसे किसी भी वस्तु की किसी रूप में भी आवश्यकता नहीं रहती, अतः वह जो कुछ भी कर्म करता है या किसी क्रिया से उपरत हो जाता है, वह सब शास्त्र सम्मत और बिना आसक्ति के केवल लोक संग्रह के लिए ही करता है, इसलिए उसके कर्म वास्तव में कर्म नहीं होते।
राधे राधे।